हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक और IQ के फ़ोन का Z3 5G का फुल रिव्यू। इस फ़ोन की पूरी टेस्टिंग वगैरह करेंगे। और रिसेंटली जस्ट मैंने अभी Z5 का IQ के ही रिव्यू करा है, तो मैं उससे भी आपको इसे क्या क्या डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है वो सब बताऊँगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फटाफट पहले अनबॉक्सिंग चेकआउट कर लेते हैं। तो मैंने रिसेंटली सेल से परचेस करा है अमेज़ॉन से। काफ़ी बड़ा सा बॉक्स यहाँ पर देखने को मिला और सिक्योरिटी पैकेज के लिए ये बड़ा सा बॉक्स देखने को मिला है। और ये मैंने ऑर्डर किया था 16,000 में, 8 GB प्लस 128 GB वेरियंट IQ Z3 5G। पीछे की तरफ यहाँ पर सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो फटाफट बॉक्स खोलकर बॉक्स के कंटेंट चेकआउट कर लेते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। और बॉक्स की मुझे डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कुछ यूनिक, कुछ हटके चीज़ करने की कोशिश करी है, जो कि सब सेम सी अनबॉक्सिंग हो जाती थी। तो यहाँ पर इस बॉक्स को खोलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो सबसे पहले आपको ऊपर देखने को मिलता है कवर और डाटा केबल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन, सिम इजेक्टर पिन। वो ऊपर की तरफ यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें रख दी गई हैं। और अंदर में खोल के देखूँ तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। फिर देन आपको रखा हुआ मिल जाता है फ़ोन और एक चार्जर। यहाँ पर आपको 66 वॉट का चार्जर इन दी बॉक्स देखने को मिलता है और फ़ोन पर 55 वॉट की चार्जिंग सपोर्टेड है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपको 66 वॉट का चार्जर अंडर 20,000 के बजट में देखने को मिल जाता है। और ये मैंने इस कलर वेरिएंट में ऑर्डर किया, जो कि काफ़ी तगड़ा लग रहा है देखने में। और फ़ोन का वेट भी यहाँ पर काफ़ी हल्का सा ही मुझे फील हो रहा है, कुछ भारी वगैरह नहीं हो रहा। इन हैंड फील कमाल की लग रही है। फ़ोन के मैं फिज़िकल ओवरव्यू की बात करूँ तो फ्रंट में आपको 16 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड पूरी खाली है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स प्लस पावर बटन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको एम्बेडेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। पीछे की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64 मेन। और यहाँ पर आपको मैट सी प्लास्टिक देखने को मिल जाती है पीछे की तरफ। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक, ऊपर की तरफ आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है। तो ये सारी फ़ोन की फिज़िकल ओवरव्यू है। और यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसपे कि एक सील दी हुई है। तो हल्का फुल्का स्प्लैश प्रूफ भी आप इस फ़ोन को बोल सकते हो। बाकी मैं फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट है ये, फटाक से हर टच होते ही खुल जाता है। अब UI की बात कर लेते हैं तो UI मुझे काफ़ी बढ़िया लगा इसका। यहाँ पर स्मूथ एनिमेशन है, स्क्रोलिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छे से है। और एक बार सॉफ्टवेयर चेकआउट कर लेते हैं कौन से सॉफ्टवेयर पर ये रन कर रहा है। तो यहाँ पर फन टच OS आपको देखने को मिल जाता है, लेटेस्ट वाला 12, और ये है 8 GB प्लस 128 GB वेरियंट। और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 12 पर ये रन कर रहा है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 आया था इसमें, देन थोड़ी देर के बाद अपडेट वगैरह हो गई तो एंड्रॉयड 12 इसमें आ गया। अब कर लेते हैं डिस्प्ले विजिबिलिटी की बात। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देखने को मिल जाएगी बाहर आउटडोर में भी। और डिस्प्ले की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 6.58 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये एक IPS पैनल है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर एक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर आपको हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और मैं डिस्प्ले क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। थोड़े से AMOLED वाले व्यूइंग एंगल्स नहीं हैं, बट स्टिल आपको काफ़ी अच्छी डिस्प्ले इस प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलती है। अब फ़ोन की थोड़ी परफॉर्मेंस वगैरह चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गीक बेंच को मैंने स्टार्ट कर दिया है और दूसरे फ़ोन में साथ टाइमर लगा दिया है, जिससे कि हमें टाइम का पता चल जाए कि कितनी देर में ये टेस्ट रन हो गया है। तो यहाँ पर 4 मिनट के आसपास में ये गीक बेंच ख़त्म हो गया। यहाँ पर 700 के आसपास सिंगल कोर का स्कोर आया
और 1911 स्कोर है मल्टी कोर का। तो यहाँ पर आप एक मिड रेंज फ़ोन के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्कोर देख सकते हो और इसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। क्लोजेस्ट डिवाइस भी आप इसमें देख सकते हो तो पोको X3 प्रो है और रेडमी का K20 प्रो क्लोजेस्ट आते हैं सिंगल कोर में, और मल्टी कोर में भी K20 प्रो और पोको X3 के आसपास के से यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब दूसरा N22 और टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने टेस्ट को स्टार्ट कर दिया है और दूसरे फ़ोन में टाइमर लगा दिया है, देखते हैं कितनी देर में ये टेस्ट ख़त्म होता है। यहाँ पर फुल टेस्टिंग हो जाएगी GPU CPU की। तो यहाँ पर हमारे 4.5 लाख रिजल्ट आ गए हैं, 11 मिनट के अंदर टोटल ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर 3.5% का टेम्परेचर राइज हुआ और 5% बैटरी ड्रॉप थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर छोटी बैटरी देखने को मिल जाती है। बाकी मैं आपको CPU टेम्परेचर दिखा दूँ तो 40 डिग्री सेल्सियस है और ज़्यादा वार्म भी फ़ोन फील नहीं हो रहा है। और बाकी ये BGMI की मैं गेम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्मूथ सा गेम प्ले देखने को मिल जाता है और अच्छे से गेमिंग वगैरह आप इस फ़ोन में कर सकते हो। और कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स मैंने इस फ़ोन पर नोटिस नहीं किए हैं, काफ़ी सही सा आपको गेम प्ले देखने को मिल जाएगा। बाकी हाईएस्ट सेटिंग आप HDR अल्ट्रा में खेल सकते हो जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी। एक मिड रेंज डिवाइस के हिसाब से आप HDR अल्ट्रा पर गेम प्ले कर सकते हो क्योंकि हाई एंड फ़ोनों में भी यही सेटिंग पर आप मैक्सिमम अभी फ़िलहाल गेम खेल सकते हो। और एसफॉल्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी सही लगी। फ़ोन ये काफ़ी ही सही हैंडल करता हुआ दिख रहा है परफॉर्मेंस को। और इस गेम में थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स हर फ़ोन में देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर मुझे वो भी हल्के फुल्के से भी नोटिस नहीं हुए हैं। और एक अब मैं कर लेता हूँ स्टोरेज टेस्ट। यहाँ पर आपको LPDDR5 की रैम देखने को मिल जाती है तो उसको भी देख लेते हैं कैसा ये परफॉर्म कर रही है। तो फटाफट मैं कुछ टास्क ओपन कर लेता हूँ और टास्क ओपनिंग टाइम इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे। इसने IQZ5 के आसपास तक का स्कोर किया है टास्क ओपनिंग में, तो इनका कंपैरिजन मैं बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ अपने चैनल पर, उसके लिए बने रहिएगा। तो फटाफट मैंने 5-6 टास्क ओपन कर लिए हैं। एक ब्राउज़र और ओपन कर लेते हैं, देन कैमरा की ऐप, एक फ़ोटो क्लिक करके इसको गैलरी में छोड़ के चलते हैं। अब एक बार सारे टास्क परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो नेटफ्लिक्स रैम में है, अमेज़ॉन भी, फेसबुक भी, BGMI भी, देन यहाँ पर Geekbench भी और N22 भी, इसके बाद ब्राउज़र भी, कैमरा की ऐप भी और गैलरी भी। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी सही है, सारे टास्क रैम में थे। अब कैमरे के कुछ सैम्पल्स चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी आई कैची से कलर कैमरे ने कैप्चर करे हैं, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ इसकी लगी और ये आई ब्लीजिंग से एकदम कलर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, और बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी सही देखने को मिला है। डायनामिक रेंज भी फ़ोन ने काफ़ी अच्छी कैप्चर करी है, थोड़े बहुत बादल थे उनमें भी डिफ्रेंशिएट करके दिखा दिया है, आप देख ही सकते हो इन फ़ोटोज़ में। और ये फ़ोटो वाइड एंगल कैमरे से है, देन ये नॉर्मल कैमरे से, देन चलते हैं 2x जूम के बाद फ़ोटो, तो इस तरह के आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। अल्ट्रा वाइड कैमरा भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। अब कुछ ह्यूमन शॉट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी लगी हैं, कलर्स वगैरह काफ़ी बढ़िया कैप्चर करे हैं फ़ोन ने। और सबसे खास मुझे लगा इसका पोर्ट्रेट मोड, एज डिटेक्शन ऑन पॉइंट, और बहुत ही शार्प लुकिंग फ़ोटोज़ आई हैं, नेचुरल ब्लर देखने को मिला है फ़ोटोज़ में। अब वीडियो की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, पहले चेकआउट कर लेते हैं कि कितनी जूमिंग कैपेबिलिटी दी जाती है। तो यहाँ पर आपको 10x तक का जूम देखने को मिल जाएगा और आपको कुछ ऑप्शंस वीडियो में, आप 1080p 60fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो और 4K वीडियो तो 30fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ये दोनों आप बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो, वहीं पर मैं फ्रंट कैमरे से भी दिखा देता हूँ आपको मोर फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। वीडियो की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता और यहाँ पर काफ़ी शेकी सी आपको वीडियो देखने को मिल जाती है जो कि इस प्राइस पॉइंट पर एकदम एक्सेप्टेबल है। और ये वॉक करते हुए की वीडियो है तो यहाँ पर आप जिटरीनेस क्लियरली देख सकते हो। तो वीडियो के लिए मैं इसके कैमरे को उतना ज़्यादा ग्रेट नहीं बोलूँगा,
वीडियो के लिए इतना खास नहीं है। और स्लो मोशन की बात करें तो यहाँ पर ओवर एक्सपोज कलर मुझे नहीं देखने को मिले हैं, कलर काफ़ी अच्छे से कैप्चर करे हैं फ़ोन ने। एक थोड़ी सी येलो टिंट फोटोज़ में है, वो ज़्यादा अच्छी भी लगती है देखने में, तो स्लो मोशन वीडियो काफ़ी अच्छे से कैप्चर करी है। अब फ्रंट कैमरे की बात करें तो Z5 का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, सेम 16 मेगापिक्सल का सेंसर है इसमें भी, और इसके फ़ोटोज़ काफ़ी बढ़िया आए हैं, पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफ़ी अच्छे से हैं, एज डिटेक्शन काफ़ी सही है फ़ोटोज़ में, और वीडियो क्वालिटी भी आप देख सकते हो फ्रंट कैमरे की काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा कैमरा सेटअप आपको फ्रंट में भी देखने को मिल जाता है, तो इससे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है इसके फ्रंट कैमरे से। अब नाइट की कुछ शॉट्स देख लेते हैं, तो रात में भी कैमरा काफ़ी अच्छा सा परफॉर्म करता नज़र आया है, बस रात में पोर्ट्रेट मोड थोड़ा सा इस फ़ोन का बेकार हो जाता है। बाकी नाइट मोड की फ़ोटोज़ चेकआउट कर लेते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप आपको नॉर्मल फ़ोटो और नाइट मोड की फ़ोटोज़ में देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह ये फिल कर देता है फ़ोटोज़ में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता फ़ोटोज़ को क्लिक करने में, और रात में भी सेल्फ़ी कैमरे ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है, रिजल्ट्स बहुत ही तगड़े हैं फ्रंट कैमरे के रात में भी। बैटरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 4400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि एक दिन आपका आराम से निकाल देगी, और प्लस 55 W का फास्ट चार्जर आपको इन दी बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिससे फ़ोन आधे घंटे 35 मिनट में फुल हो जाता है, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है, तो बैटरी और चार्जिंग से आपको इसकी कोई शिकायत नहीं आएगी। मैं फ़ोन के पॉजिटिव्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस फ़ोन की देखने को मिल जाती है, और फिर अंडर 20,000 आपको बेस्ट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है फॉर फोटोज़। वीडियोज़ के लिए मैं उतना ग्रेट नहीं कहूँगा, दोनों फ्रंट एंड बैक कैमरेज काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं। फ़ोन का लुक ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बस एक कॉन मेरी साइड से रहेगा कि यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलती है, बस उसके अलावा ये फ़ोन 20,000 के नीचे नीचे अगर आपको 15 के आसपास देखने को मिल जाता है सेल वेल के टाइम में, तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा पैकेज बन जाता है, आप डेफिनेटली इस फ़ोन को बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।